हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे पास्ता बिल्कुल देसी स्टाइल में। तो हम शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए नमक, मिर्च पाउडर, टमाटो क्रश किए हुए, थोड़ा सा पनीर, थोड़ी सी कैप्सिकम। आप प्याज भी ले सकते हैं, बट प्याज मैं अवॉइड ही करती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो हम मैंने थोड़ा सा बटर डाला है, ठीक है। और पास्ता मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। लुक एट दिस। इसमें मैंने लिटिल बिट ऑफ ऑयल डाला है, थोड़ा सा, ठीक है। अब इसमें जाएगा, बटर में जाएगा कैप्सिकम। इसको हमें ओवर कुक नहीं करना है, हल्का सा करना है बस। बटर में पास्ता बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसके बाद जाएगा पनीर, इसको भी लाइटली सा ही कुक करना है। टोमेटो केचप भी चाहिए हमें इसके लिए, क्योंकि हम रेड सॉस पास्ता बना रहे हैं। पास्ता बॉईल हो रहा है हमारा। वैसे इसमें ऑनियंस भी डालते हैं, बट मेरा छोटे वाला बेटा नहीं खाता, इसलिए मैं डालती हूँ। अब इसमें जाएंगे ये क्रश टमाटोज। टमाटो क्रश करके ही डालना, जिससे क्या है ये रेड सॉस का काम करते हैं बिल्कुल। अब इसमें जाएगी टमाटो केचप। पास्ता हमारा बॉईल हो रहा है। टमाटो केचप डल चुकी है। टमाटो केचप करीब 1 बाउल के आसपास मैंने डाली है, ठीक है। अब मैं इसमें हल्का सा पानी जरूर ऐड करूंगी, बिकॉज ये बहुत गाढ़ी हो जाती है। इसको थोड़ा सा इसकी थिकनेस कम करने के लिए, कि पास्ता अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। आप ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं इसमें, इट्स योर चॉइस। अब इसमें लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, क्योंकि टोमेटो केचप में भी एक अपना फ्लेवर होता है, एंड लिटिल बिट ऑफ स्पाइसेस। आप मसाले अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैं बिल्कुल हल्के रखती हूँ इसमें, बस बच्चों के लिए बना रही हूँ, सो नेचुरल सी बात है हल्के ही होने चाहिए मसाले। देखिए पास्ता ऑलमोस्ट हो चुका है, सो मैं अब इसको एक पास्ता को निकाल के चेक करूंगी कि पास्ता एग्जैक्टली पका है या नहीं। तो आप
एक पीस निकाली है इसमें से। वैसे तो ऑलमोस्ट पक चुका है, दिख रहा है, बट फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको सेंटर में से कट करेंगे और ये ना वाइट वाइट नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल एकदम ऐसा लगना चाहिए हाँ बॉईल हो गया है, ठीक है। सो अब हम गैस फ्लेम को बंद कर देंगे। अब एक छलनी की हेल्प से पास्ता को हम निकाल लेंगे। पास्ता आ चुका है। सो गाइस, पास्ता मैंने निकाल लिया छलनी में, अब ये जाएगा सॉस के अंदर। पास्ता में दो क्वालिटी आती है, एक मैदे का आता है, एक सूजी का आता है। कोशिश करें आप सूजी वाला लें, क्योंकि मैदे वाला वैसे ही नुकसान करता है बच्चों को। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अगर आपको ये डिश पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलना। ये सिर्फ प्रॉपर बच्चों के लिए बनाया है, अगर आपको अपने लिए बनाना है तो इसको थोड़ा सा स्पाइसी भी कर सकते हैं, इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, ब्रोकली डाल सकते हैं, जो भी आप वेजिटेबल डालना चाहें इसमें डाल सकते हैं, इसमें स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, वो आपकी चॉइस ही होगा। बट मैंने सिर्फ इसमें पनीर, शिमला मिर्च और टमाटोज का इस्तेमाल किया वेजिटेबल में, और स्पाइसेस में नमक और लिटिल बिट ऑफ लाल मिर्च पाउडर और टमाटो सॉस। टमाटो सॉस का भी एक अपना ही फ्लेवर होता है। आपकी चॉइस है, आप कोई भी मसाला इसमें यूज कर सकते हैं। ऐसे मैं इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ढक दूंगी, ढक के पकाऊंगी। सो अब पास्ता चेक करते हैं। यम, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है इसके अंदर से। सो अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। आप इसमें ओरिगेनो, चिली फ्लेक्स ऊपर से डाल सकते हैं। अभी मैं बच्चों के लंच के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो अब इसको हम लंच में डालेंगे। ये देखिए लंच हो गया रेडी, ठीक है, इतना बच भी गया फिर भी। चलो शिव टेस्ट करके दिखाएगा। शिव सुबह सुबह ही पास्ता खाने लग गया है स्कूल के टाइम पे। ओरियो को भी खाना है, गरम है। बढ़िया, इतना सोचना पड़ रहा है मम्मी। टेस्ट ओरियो को भी खाना है, दे दे वन पीस ओरियो को भी दे दे, गरम है खूब मार के। जस्ट वेट ओरियो, ओरियो जा रहा है स्कूल, जाओ जल्दी। इट्स ऑल ना, दे दो वन ओरियो को। चलो ओरियो ने भी खा लिया है पास्ता। ओहो, ओरियो को भी पसंद आया है, ही वांट्स मोर। बच्चों का फर्स्ट डे है आज, फर्स्ट डे। चलो बाय 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 बाय, बेस्ट ऑफ लक।
गाइस पिज्जा और पास्ता मेरा रेडी हो गया है, ठीक है। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लगा, इजी लगा या नहीं लगा। और मैं ऐसे ही नई नई वीडियोस लेके आती रहूँगी आपके लिए, आप मुझे बताना अब आपको क्या सीखना है, सो मैं अपने चैनल पे डालूँगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।